हाय दोस्त, मैं आपका टीचर, आपका फ्रेंड वॉट्स आशीष। आज फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर उपलब्ध हूँ और यह वीडियो उन परीक्षार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है जो 28 तारीख को, 28 जनवरी 2020 को स्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यह मेरे चैनल पे तीसरा वीडियो है इंग्लिश प्रैक्टिस सेट का बिहार स्टेट विद्यार्थियों के लिए। चलिए देर न करते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो शुरू करता हूँ, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट बिलोंग्स टू ब्लैंक स्पेस कंट्री टाउन। चार ऑप्शन है, पहला ए डबलिन, वी आयरिश, सी इंग्लैंड या डी नन। तो देखना है कि इसमें कौन सा सही आंसर होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा आयरिश। आगे बढ़ते हैं, बी नंबर होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं दो नंबर प्रश्न की ओर। दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ डैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर बिलोंग्स टू। ये देखना है कि यह स्टैंजा किस कविता या कहानी से ली गई है। ए अमेरिकन नॉवेलिस्ट, वी फ्रेंच नॉवेलिस्ट, सी ब्रिटिश नॉवेलिस्ट या डी अफ्रीकन नॉवेलिस्ट। तो बताना होगा आपको। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो लाइन है, दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ डैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर बिलोंग्स टू, ये स्टैंजा लिया गया है द पेस ऑफ लिविंग से। और इसके राइटर हैं आरसी हचिंसन। आपको पता होगा कि द पेस फॉर लिविंग लिखी गई है आरसी हचिंसन के द्वारा, जो कि बिलोंगिंग हैं ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। तो ब्रिटिश में इनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड में जन्म हुआ था, ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। फॉर मी डैट वॉज द मोस्ट इंचैंटिंग लाइन इन द प्ले इज टेकन फ्रॉम। देखिए ये लाइन कहाँ से लिया गया है, आपको ये बताना है। तो ए है द पेस फॉर लिविंग, वी व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, सी लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन या डी नन। तो आपको कुछ समय देते हैं सही ऑप्शन मारने के लिए। जल्दी से बताइए कि कौन सा इसका आंसर होगा। चलिए हम बताते हैं, इसका सही आंसर होगा द पेस फॉर लिविंग। एक प्ले है जो डब्लिन में देखा गया था आर्ची हचिंसन के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। आई एंजॉय गोइंग इन अ कार एट ब्लैंक स्पेस माइल्स एन आवर, ए 80, वी 90, सी 70 या डी नन। चलिए क्या सही आंसर होगा इसका। ये भी आपका लाइन जो है वो लिया गया है द पेस फॉर लिविंग से और इसका सही आंसर होगा 90 माइल्स एन आवर। आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट एंड बी माइट जस्ट एज बेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली रिटन बाई। देखिए ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। चलिए हम बताते हैं, ये लिया गया है द पेस फॉर लिविंग से और इसका सही आंसर होगा आरसी हचिंसन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सिक्स नंबर। इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग इज रिटन वाई। देखिए ये लाइन कहाँ से लिया गया है, किस कहानी या कविता से लिया गया है। ए टॉनी मॉरिसन, वी लियो टॉल्स्टॉय, सी ओ हेनरी या डी आर सी हचिंसन। चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं, इसका सही आंसर होगा आर सी हचिंसन। ये भी द पेस फॉर लिविंग से लिया गया है। नेक्स्ट सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑफन वाई ए क्वायर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग मूविंग वॉज इक्वेटेड विथ एक्शन इज टेकन फ्रॉम। देखिए ये लाइन कहां से लिया गया है आपको ये बताना है। ए द पेस फॉर लिविंग, वी व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, सी लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन या डी नन। चलिए सोचिए कौन सा सही आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। ये सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई
एक ऐसे है जिसमें भारतीय सिनेमा के बारे में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स इन ऑर्डर एंड सो इज इट प्रूव्स टू बी। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, इसमें भरना है आपको ए ए वी सी, बी सी वी ए, सी बी सी ए या डी सी ए बी। ये कौन सा ऑर्डर में होगा इसको भरना है आपको, देखिए कौन सा सही आंसर होगा इसका। चलिए मैं बता दूं आपको, इसका सही आंसर होगा सी नंबर, बी सी ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नौ नंबर, आई एम द वन ऑफ दोज हु आर ग्रांटेड टू गेट द लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस इज टेकन फ्रॉम। देखिए ये लाइन कहाँ से उठाया गया है, किस कविता या कहानी से लिया गया है। ए द पेस फॉर लिविंग, वी व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, सी लिटिल गर्ल, वाइजर देन मैन या डी नन। तो चलिए मैं आपको सही आंसर इसका बता दूं, इसका सही आंसर होगा ए द पेस फॉर लिविंग। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी गर्ल्स इन दिस फिल्म विच वॉज सीन बाई आर सी हचिनसन। ये द पेस फॉर लिविंग में वो जो सिनेमा फिल्म देखते हैं आर सी हचिनसन साहब, तो उसमें कितनी लड़कियां थी ये बताना है आपको। ए वन, बी टू, सी थ्री या डी फोर। तो सही आंसर इसका होगा सी थ्री। इसमें जो आपका एक्सप्लेनेशन है कि ये टॉल ब्लॉन्डी, ए शॉर्ट ब्लॉन्डे एंड ए मीडियम साइज ब्रंटी, ये तीन लड़की थी, ए बी और सी नाम दिया गया था जिसका, तो तीन ये सी आंसर होगा इसका सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाइएस्ट राइट नाउ ए डेज बी नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल इज टेकन फ्रॉम। देखिए ये किस कविता या कहानी से ली गई है। ए द पेस फॉर लिविंग, वी व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, सी लिटिल गर्ल, वाइजर देन मैन या डी नन। तो मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा ए नंबर, द पेस फॉर लिविंग। आगे बढ़ते हैं बारहवें प्रश्न की ओर। इन मी एंड द इकोलॉजी विट हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर। ए वन, वी टू, सी थ्री या डी फोर। तो देखिए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। मी एंड द इकोलॉजी विट जो है जॉन लेक्सिस के द्वारा लिखी गई एक ऐसे है, और इसमें कितना कैरेक्टर है चलिए मैं आपको बता दूं, इसमें सब मिला के तीन कैरेक्टर है, सी होगा आंसर, विलियम, मिस्टर ग्रीन और एक जॉनसन, तो तीन कैरेक्टर थे इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी विट। ए टॉनी मॉरिसन, वी लियो टॉल्स्टॉय, सी जॉन लेक्सिस या डी आर सी हचिनसन। तो इसका सही आंसर होगा जॉन लेक्सिस। आगे बढ़ते हैं चौदहवें प्रश्न की ओर। डोंट फॉरगेट आइदर यू अनहैप्पी मैन डैट वॉलंट्री कन्फाइनमेंट इज मच हैवियर देन इन्फोर्स्ड इम्प्रिजनमेंट इज टेकन फ्रॉम। देखिए ये लाइन कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। ए द वेट, वी लिटिल गर्ल, वाइजर देन मैन, सी गिल्लू या डी नन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर मैं बता दूं, ये द वेट से लिया गया है जिसको एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया था। द वेट एक कहानी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा द बेट, ए नंबर आंसर होगा। द लास्ट लीफ इज रिटन बाय। ए टॉनी मॉरिसन, वी लियो टॉल्स्टॉय, सी ओ हेनरी या डी आर सी हचिनसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ओ हेनरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन जॉनसन्स हाउस एंड पोस्ट ऑफिस इज ब्लैंक स्पेस ब्लॉक्स। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ए वन, बी टू, सी थ्री या डी फोर। चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग। चलिए मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा टू ब्लॉक्स, बी नंबर आंसर होगा टू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ही वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स ड्यूरिंग नेहरूज
prime ministership. A. Abdul Kalam. V. Humayun Kabir. D. Arjun Dev Charan. Ya D. Abdul Kalam. तो देखिए इसमें सही आंसर कौन सा होगा, बताना है आपको। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा हुमायूं कबीर। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब $1 एंड 87 सेंट्स डैट वॉज ऑल एंड 80 सेंट्स ऑफ इट वॉज इन पेनीज इज टेकन फ्रॉम। देखिए ये जो स्टेंजा है वो कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। ए लिटिल गर्ल वाइजर द मैन, वी मार्था, सी स्पेयर द रॉड, या डी द गिफ्ट ऑफ मिजाई। चलिए तो मैं बता दूँ कि ये जो लिया गया है ना, डेला एक कैरेक्टर है द गिफ्ट ऑफ मिजाई में, जिसके पास टोटल वह $1.87 थे, जिसमें भी कि आपका 80 सेंट्स जो था वो सिक्कों के रूप में था। द गिफ्ट ऑफ मेजाई लिखा गया है ओ हेनरी के द्वारा, जिनका ये जो मेन उनका पेन नेम है ओ हेनरी, जबकि उसका उनका जो मुख्य नाम था विलियम सिडनी पॉटर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बॉथ रवि एज वेल एज राजा वेयर प्रेजेंट देयर। यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है इसमें क्या लगेगा, एंड लगेगा, वी वाज लगेगा, सी हैज लगेगा, या डी इज लगेगा। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए मैं बता दूं आपको कि ये जो है एज वेल एज एक ऐसा कंजक्शन है, इसमें उसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो कई लोग इसका आंसर मारे होंगे बी वाज, लेकिन ये गलत आंसर है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बॉथ लगा हुआ है, देखना होगा हमको ये भी। तो बॉथ का सही जो कंजक्शन का पेयर है वो वॉथ एंड होगा। तो वॉथ रवि एंड राजा वेयर प्रेजेंट देयर। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। लेट अस डांस टुगेदर, ये क्वेश्चन टैग का प्रश्न है दोस्त। इसमें सही आंसर क्या होगा, ए शैल बी, वी विल बी, सी शुड बी, या डी वुड बी। तो देखना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा शैल वी, इसीलिए कि लेट्स या लेटस के साथ जो भी वाक्य शुरू होगा उसका क्वेश्चन टैग हमेशा शैल से ही बनेगा, इसलिए इसका सही आंसर शैल वी होगा, ना कि विल बी या शुड बी या वुड बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है आई ब्लैंक स्पेस रादर डाई देन बेग, ए वुड, वी शुड, सी विल, या डी सेल। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्त मैं अगले वीडियो में आपके लिए इंटर का जो सिलेबस है जिसमें कि 20 नंबर क्वेश्चन पूछेगा इसमें 9th-10th में, तो मैं वो लाऊंगा और ग्रामर पोर्शन के साथ लाऊंगा फिर से 25 क्वेश्चन का सेट, इसलिए कि मेरे पास समय का बहुत कमी रहता है। मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, आप लोग से क्षमा मांगूंगा कि बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि सर 100 नंबर का सेट बनाइए, बहुत समय लग जाता है उतना बनाने में, मेरे पास उतना समय रहता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका जितना मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए ये इसका सही आंसर होगा, सब लोग सही मारे होंगे, ये उड। देखिए जब दो चीज़ों में एक चीज़ को सिलेक्ट करना होता है तो मैं हम लोग उड का प्रयोग करते हैं। आई वुड रादर डाई देन बेग, हम लोग भीख मांगने से ज़्यादा मरना पसंद करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु बॉर्न ऑन 17 जनवरी 1860। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए रे अंगवियर, वी जॉन मिल्टन, सी एंटोन चेकोव, या डी रॉबर्ट हैरिक। पिछले बार 9th-10th में इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा था, इसीलिए हम बार बार अपने सेट में इस तरह का प्रश्न दे रहे हैं, और आप लोग को एक सलाह देते हैं कि जो भी राइटर हैं 9th-10th के सबका डेट ऑफ बर्थ जरूर आप याद कर लें, क्योंकि निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा एंटोन चेकोव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। सी ब्लैंक स्पेस टीवी व्हेन हर फादर केम, ए वॉच, वी इज वॉचिंग, सी वाज वॉचिंग, या डी वॉच्ड। देखिए आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, इसमें सही आंसर होगा इज वॉचिंग। देखिए इसलिए
सॉरी 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 सॉरी, इसमें वॉच वाचिंग होगा, सॉरी, इसमें सही आंसर जो होगा इसका होगा वॉच वाचिंग। देखिए वॉच क्यों नहीं होगा, इसलिए वॉच नहीं होगा कि एक चीज़ तो पहले देख लीजिए कि यहाँ पे दो क्लाउज है, तो वेन के बाद जो क्लाउज आ रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो निश्चित रूप से आपका जो फर्स्ट क्लाउज है वो भी आपका पास्ट में ही होगा, तो वॉच तो हो नहीं सकता, इज वॉचिंग होगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वॉच वॉचिंग होगा, इसलिए वॉच वॉचिंग होगा क्योंकि वॉचिंग जो है ना एक प्रोग्रेसिव वर्ब है, और प्रोग्रेसिव वर्ब जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में ही आएगा, तो वॉच भी नहीं होगा। अब ईच वॉचिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका सेकेंड क्लाउज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, इसीलिए ये आपका पास्ट कंटिन्यूस है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, सी नंबर, वॉच वॉचिंग। 24 नंबर प्रश्न, हायर वी गो द कूलर वी फिल, ए नो आर्टिकल, वी एन, सी ए और डी द, तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा द। देखिए ये एडजेक्टिव से लिया गया क्वेश्चन है जिसमें सेम सिलेबल चल रहा है, तो हायर और कूलर ये दोनों कंपेरेटिव सॉरी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे द हायर वी गो द कूलर वी फिल, तो द दोनों के पहले आएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा द। देर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड, देर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड विद ब्लैंक स्पेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो देखिए इसमें सही आंसर क्या होगा, ए एमंग, वी एमंगस्ट, सी बिटवीन या डी इन। चलिए इसका सही आंसर बताइए। देखिए हमको लगता है कि सभी लोग जो है इसको जरूर आप लोग मारे होंगे एमंग, क्योंकि यहां पे दो से अधिक की बात हो रही है, तो आप लोग सब लोग मारे होंगे एमंग, लेकिन मैं बता दूं कि एमंग इसका सही आंसर नहीं होगा, एमंगस्ट नहीं होगा, इसलिए एमंगस्ट नहीं होगा कि एमंगस्ट के बाद एमंगस्ट जो है वो भी दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है, और बिटवीन जो है वो दो के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका सही आंसर सी होगा, बिटवीन। क्यों बिटवीन होगा, इसलिए बिटवीन होगा कि आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछेगा तो बहुत कठिन हो जाता है लड़कों के लिए, इसीलिए सही होगा ये, क्योंकि जब म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात हो रही है, देखिए टूर्नामेंट एक हो रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, तो ये तीनों के बीच एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, और इस प्रकार का जो प्रश्न रहता है उसके साथ हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं, तो ये सही आंसर क्या होगा, बिटवीन होगा। दोस्त ये इंग्लिश हैंड चैनल है और बहुत मेहनत करके हम आपके लिए सेट लाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, कम से कम आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो कम से कम इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक हमको व्यूअर मिले। फिर से हम नेक्स्ट डे आपके लिए इंटर और ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन लेकर आऊँगा, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन मेरा सेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक दिस और सब्सक्राइब भी कीजिए अधिक से अधिक। हाय फ्रेंड्स, मैं वत्स आशीष, ये इंग्लिश हंट चैनल है जिसके माध्यम से मैं 9th, 10th, 11th, 12th का प्रोज और पोएट्री पढ़ाता हूँ, और इसी के माध्यम से बिहार स्टेट का प्रैक्टिस सेट भी ला रहा हूँ। ये आपका चौथा सेट है जिसमें हम बताए थे आप लोग को कि जो 9th, 10th इस बार एग्ज़ाम होने वाला है पेपर 1 28 जनवरी 2020 को, इसमें 20 क्वेश्चन आपका इंटर से रहेगा 11th और 12th के बुक से। तो आज हम सेट 4 में इंटर का क्वेश्चन डाले हैं, और कमेंट और लाइक करने में कंजूसी मत बरतिए, बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फादर्स नेम ऑफ डॉक्टर राणा एसपी सिंह, ए मिस्टर रामध्यान सिंह, बी मिस्टर रामचंद्र सिंह, सी मिस्टर प्रेम शंकर सिंह या डी नन। कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि हम बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, तो सॉरी फ्रेंड्स, एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लगता है, तो एक्सप्लेन तो हम करेंगे ही बढ़िया से, तो चलिए ये आपका सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा डॉक्टर रामध्यान सिंह। मैं बता दूं कि ये एलर्जी जो लेसन है उससे लिया गया है क्वेश्चन, और डॉक्टर राणा एसपी सिंह के पिता का नाम डॉक्टर रामध्यान सिंह है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सत्ताईसवें नंबर प्रश्न की ओर, आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलर्जी हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द डिस्कवरी इन, तो ये बताना है कि एलर्जी का जो खोज है वो किस साल किया गया था, ए 1967, वी 1968, सी 1969 या डी 1970, तो ये बताना है आपको। देखिए इसमें कौन सा सही आंसर होगा, कौन सा सही आंसर होगा, चलिए हम बताते हैं। इसका सही आंसर होगा 1967। ये प्रश्न भी एलर्जी से लिया गया है जो कि डॉक्टर राणा एसपी सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो सही आंसर ए होगा 1967। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28, ग्रीनविच विलेज मेंशनड इन विच स्टोरी, ए द स्लीपिंग पॉटर, बी मार्था, सी स्पेयर द रॉड या डी द लास्ट लीफ। तो देखिए किस में है ये ग्रीनविच विलेज, चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा द लास्ट लीफ, जो कि ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया है। मैं आपका बता दूं कि ओ हेनरी इनका पेन नेम है, जैसे कि प्रेमचंद्र का पेन नेम है धनपत राय, तो इनका मेन नाम है ओ हेनरी का विलियम सिडनी पॉटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 प्रश्न की ओर। बंगा, संगरूर एंड बरनाला बिलोंग्स टू विच पोएम, देखिए ये तीन शहरों के नाम है, किस कविता में ये आया है आपको बताना है, ए कोयल, वी द स्लीपिंग पॉटर, सी मार्था या डी आई एम लाइक ग्रास। तो चलिए बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसका, चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा आई एम लाइक ग्रास, जो कि पास के द्वारा लिखा गया एक कविता है। बंगा, संगरूर और बरनाला ये तीनों पंजाब का टाउन है, शहर का नाम दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 30वें प्रश्न की ओर। If confined in the strokes and coils of a script is taken from, देखिए ये कहाँ से लिया गया है, A polythene bag, V the empty heart, C I am like grass या D sound, तो सही आंसर कौन सा होगा ये आपको देखना है। चलिए ये इसका सही आंसर होगा sound। रजनी पारुलकर के द्वारा लिखी गई ये कविता है, जिसका सबसे लास्ट लाइन है ये, इफ कन्फाइंड इन द स्ट्रोक्स एंड क्वाइल्स ऑफ अ स्क्रिप्ट इज, ये लास्ट लाइन है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोनल मैरिज जॉर्ज लेक्नर इन अगस्त, ए 1974, वी 1975, सी 1973 या डी 1971। चलिए सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 1975। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये जो है आपका आई एम गोइंग टू डांस अगेन से लिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 32 प्रश्न की ओर। आई नाउ रियलाइज हाउ प्रीसियस लाइफ इज, सी सेज, ईच ऑफ माई रिसाइटल्स इज अ प्रेयर एंड थैंक्स गिविंग इज टेकन फ्रॉम, देखिए ये स्टैंजा किस कहानी या कविता की है ये आपको बताना है, ए वंस अपॉन अ टाइम, वी स्पेयर द रॉड, सी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन या डी आई एम गोइंग टू डांस अगेन। चलिए देखिए और बताइए कि ये जो कवि ये स्टेंजा जो है वो कहाँ से लिया गया है। चलिए मैं बता दूं आपको कि ये स्टेंजा जो है वो लिया गया है आई एम गोइंग टू डांस अगेन। ये आई एम गोइंग टू डांस अगेन नजमुल हसन के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, सोनल मानसिंह के बारे में लिखा गया है, सोनल मानसिंह की ऑटोबायोग्राफी है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द गार्डन पार्टी इज रिटन बाई, ए कैथरीन मानसफील्ड, वी अलेक्जेंडर पोप, सी महादेवी वर्मा या डी पास। तो देखिए किस ये इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। द गार्डन पार्टी जो है वो लिखी गई है कैथरीन मानसफील्ड के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 34 नंबर। पाराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय, ए जॉन मिल्टन, वी शेक्सपियर, सी विक्रम सेठ या डी ओ हेनरी। तो आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा जॉन मिल्टन साहब के द्वारा लिखी गई ये कविता है पैराडाइज लॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। सब्बा रानी इज अ फेमस वर्क ऑफ,
A. Durga Prasad Panda, V. Rajni Parulkar, C. Nirda Suresh or D. Ray Angveer. तो देखिए कि सवरानी जो है किनका फेमस वर्क था. चलिए मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या होगा. इसका सही आंसर होगा ए दुर्गा प्रसाद पांडा. मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं. आपको ऐसा लगता होगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है, तो प्लीज़ कमेंट करने में और लाइक करने में कम से कम कंजूसी ना बरतें आप. नेक्स्ट 36. प्रेम शंकर इज ए कैरेक्टर फाउंड इन ए जनवरी नाइट, वी एलर्जी, सी द बेट या डी क्वालिटी. देखना है प्रेम शंकर एक कैरेक्टर है, वो इन चारों में से किस में है ये बताना है आपको. तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एलर्जी, जो कि लिखा गया है डॉक्टर राणा एस पी सिंह के द्वारा. आगे बढ़ते हैं 37 प्रश्न की ओर. नेक्स्ट संडे इज ए क्रिएशन ऑफ, नेक्स्ट संडे जो है वो किनके द्वारा लिखी गई, किनकी रचना है ये आपको बताना है. ए आर के नारायणा, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी विलियम ब्लेक या डी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. तो देखिए इसमें सही आंसर कौन सा होगा. चलिए इसका मैं बताता हूँ, सबका सही आंसर होगा आर के नारायणा के द्वारा लिखा गया है ये. नेक्स्ट पोएटिक स्केच इज ए क्रिएशन ऑफ ए विलियम ब्लैक, वी जे बी एस हाल्डन, सी सुनील गवास्कर या डी अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर. देखिए ये सारा आपका 10+2 और ये 11th 12th से लिया गया है सारा. आगे क्वेश्चन आप ध्यान देंगे इसमें, ये सारा क्वेश्चन ही पूछेगा. तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है ये. वही विलियम ब्लेक जिसने द चिमनी स्वीपर लिखा है, उसी विलियम ब्लेक के द्वारा पोएटिक स्केच लिखी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. पिग्मेलियन इज रिटन बाय, ए जी बी सॉ, वी अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, सी जे बी एस हाल्डन या डी नेहरू. तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा. इसका सही आंसर होगा जी बी सॉ. आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर. द एप्पल कॉर्ट इज रिटन बाय ए जी बी सॉ, बी विलियम ब्लेक, सी आर के नारायणा या डी अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर. तो इसका सही प्रश्न सही आंसर क्या होगा. इसका भी सही आंसर होगा जी बी सॉ के द्वारा लिखी गई रचना है ये. आगे पढ़ते हैं, देखते हैं. विंड फॉल इज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है आपको देखना है. तो इसमें आपका ए नंबर है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, वी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सुनील गावस्कर या डी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. ये सारा 11th 12th से लिया गया है सारा का सारा. तो इसका सही आंसर क्या होगा. इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, 41 का ए नंबर आंसर होगा. आगे बढ़ते हैं. साउथ दिल्ली मर्डर इज टेकन फ्रॉम ए बाबू फिक्शन, बी वेयर पैरेलल्स लाइन मीट्स द बस स्टॉप्ड या डी द गिफ्ट आउटराइट. देखिए बताइए साउथ दिल्ली मर्डर जो है वो तवीस खैर के द्वारा लिखी गई एक रचना है. दोस्त इसी चैनल के माध्यम से 11th का सारा पोएम डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, आपके बहुत काम की चीज़ है वो. तो इसका सही आंसर होगा वेयर पैरेलल लाइन स्मिट, इसी से साउथ दिल्ली मर्डर लिखा गया है जो तवीस खैर के द्वारा लिखा गया था. नेक्स्ट 43 नंबर 43. माई मदर्स वे ऑफ वियरिंग अ साड़ी इज रिटन बाई ए सुजाता भट्ट, वी सरोजनी नायडू, सी महादेवी वर्मा या डी नन. देखिए कौन सा इसका सही आंसर होगा. चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं. इसका सही आंसर होगा सुजाता भट्ट. ये वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल जो लिया गया है वो यहीं से लिया गया है, माई मदर्स वे ऑफ वियरिंग ए साड़ी, और जो लिखा गया है सुजाता भट्ट के द्वारा. 44 नंबर क्वेश्चन देखिए. लिरिकल ब्लड इज रिटन बाई वर्ड्सवर्थ विद द हेल्प ऑफ, ये लिरिकल ब्लड्स जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसके सहायता से लिखा था या किसके साथ मिलकर लिखा था ये भी कह सकते हैं आप. ए एस टी कॉलरिज, वी डब्ल्यू वी इट्स, सी रॉबर्ट फ्रोस्ट, सी विलियम ब्लेक. तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस टी कॉलरिज. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. टॉम डेकर इज ए कैरेक्टर इन, आपको बताना है कि टॉम डेकर
जो है किसकी किस कैरेक्टर में किस कहाँ पे ये मिला है आपको मिलेगा. ए द चिमनी स्वीपर, वी स्टॉपिंग वाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, सी द लैमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशनर, या डी फॉलोअर. चलिए तो ये टॉम डेकर जो है वो आपको मिलेगा द चिमनी स्वीपर पढ़िएगा, जो कि विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई एक कविता है. नेक्स्ट 46 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. रामा रे रामा आई सेल डाई इज रिटन बाई ए सरोजनी नायडू, वी सुजाता भट्ट, सी महादेवी वर्मा, या डी निर्दा सुरेश. देखिए कहाँ से कौन किसने लिखा है ये. चलिए हम आपको बताते हैं, ये जो है वो विलेज सॉन्ग में, विलेज सॉन्ग से लाइन ये लिया गया है और ये लिखा गया है सरोजनी नायडू के द्वारा. फ्रेंड्स मैं एक आवश्यक सूचना आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपको 11th 12th का सिलेबस चाहिए, जो कि इस बार एग्ज़ाम में 28 फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा आपका 11th 12th का, तो उसका सिलेबस क्या है अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में, और अगर कमेंट कीजिएगा तो हम उस पर एक वीडियो बना देंगे. अभी आप लोग के पास टाइम है इतना. ऐसे हम बता दें कि आपका 11th 12th जो है उसमें 11th 12th से किताब से तो रहेगा ही, 35 मार्क्स का रहेगा, और उसमें एक पैसेज रहेगा, एक या दो पैसेज रह सकता है, पिछला बार दो पैसेज था. और कुछ राइटर्स का नाम हम बता देंगे जिसको कि इसमें शेक्सपियर आपका जो है उसको डीपली अध्ययन करना है आपको. शेक्सपियर से क्वेश्चन रहेगा, 5-7 क्वेश्चन के आसपास पूछेगा. और भी कुछ ये राइटर्स हैं तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में, हम उस पर एक वीडियो कल बना देंगे आप लोग के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू, ए नंबर होगा, ये विलेज सॉन्ग से लिया गया है. आगे 47 नंबर. इन साउथ दिल्ली मर्डर द क्राइम इज डन वाई, ए श्याम, वी राम, सी मोहन, या डी सोहन. तो देखिए सही आंसर क्या होगा इसका. साउथ दिल्ली मर्डर जो है वो तबीस खैर के द्वारा लिखी गई एक रचना है जिसमें श्याम जो कि एक बिहारी छोकरा था उसी ने मर्डर किया था. नेक्स्ट 48 नंबर. देर इज नॉट ए वीमेन टर्न्स हर फेस अपॉन अ ब्रोकन ट्री इज टेकन फ्रॉम, ए द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, वी द थ्री वोज, सी डॉली एट द डेंटिस्ट, या सी डी द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर से. तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर. आगे बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की ओर. ये आपका जो 49वां प्रश्न है, हाउ मेनी फैमिली मेंबर इन ए स्नेक इन द ग्रास, ए 5, वी 6, सी 7, या डी 8. देखिए इन स्नेक इन द ग्रास जो है वो आर के नारायणा के द्वारा लिखी गई एक कहानी है. इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितना फैमिली मेंबर था. तो चलिए देखिए बताइए कि जल्दी से जल्दी. चलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो इसमें सब मिला के आपका 5 मेंबर्स था, एक मदर है और 4 सन है, तो 5 लोगों की एक फैमिली है इन ए स्नेक इन द ग्रास, जो कि आर के नारायणा के द्वारा लिखी गई है. नेक्स्ट आगे बढ़े 50वें नंबर प्रश्न की ओर. इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर ही सेंट ए लेटर टू माई फादर आस्किंग फॉर एन एडवांस ऑफ 100 रुपीज इज टेकन फ्रॉम, ए द थ्री वोज, वी द लीडर ऑफ मैन, सी डॉली एट द डेंटिस्ट, या डी द रूलर ऑफ द रोड. तो देखिए ये कहाँ से लिया गया है. चलिए मैं आपको बता दूं कि ये लिया गया है द लीडर ऑफ मैन से, जो कि सिद्धार्था चौधरी के द्वारा लिखी गई एक घटना है. तो इस प्रकार से ये 50 मार्क प्रश्न आज है, ये सारा इंटर से और 10th से कुछ मिला जुला क्वेश्चन था. अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट, ताकि हम और भी वीडियो आपके सामने हर दिन ला सकें. और अगर आपको 11th 12th का सिलेबस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम कल उस पर एक वीडियो बना के आप लोग के सामने उपस्थित फिर से होऊंगा. तो प्लीज़ दोस्त लाइक करने में इसको कंजूसी न बरतें, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में. तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक अप्रिसिएशन हमको मिले और हम और भी वीडियो आपके सामने फिर से लेकर आएँ. हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और मेंटर वत्स आशीष आपके सामने आज 50 क्वेश्चन का सेट लेकर उपलब्ध हूँ, और इसमें इंटर से भी क्वेश्चन डाला गया है. मैंने आपको बताया था पहले भी कि 9th 10th में जो क्वेश्चन रहेगा उसमें पिछले बार 18 क्वेश्चन पूछा गया था इंटर के सिलेबस से.
तो यह वीडियो 9th, 10th और 11th, 12th दोनों परीक्षार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। कई दोस्तों ने कमेंट किया है कि सर आप बहुत धीरे बोलते हैं। दोस्त एक्सप्लेनेशन तो चाहिए ही ना, और एक्सप्लेन भी करना पड़ता है बढ़िया ढंग से, नहीं तो होता है क्या कि क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं आप। तो चलिए, ये इंग्लिश हंट चैनल है और ये मेरा 6th वीडियो है आज स्टेट के लिए। जिन्होंने 5 वीडियो नहीं देखा है वो स्टडी हंट चैनल खोल के 5 वीडियो और देख सकते हैं, और अपना मूल्यांकन भी आज कर लें क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है और जैसा आपको पता होगा कि 21 तारीख से इसका एडमिट कार्ड भी निकलने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो 50 नंबर से। इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर ही सेंट ए लेटर टू माई फादर आस्किंग फॉर एन एडवांस ऑफ 100 रुपीज इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो लिया गया है, देखिए किस कविता या कहानी से उठाया गया है, आपको ये देखना है। ए द 3 वोज, बी द लीडर ऑफ मैन, सी डॉली एट द डेंटिस्ट, या डी द रूल ऑफ द रोड। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा द लीडर ऑफ मैन। ये जो द लीडर ऑफ मैन, इसके लेखक हैं सिद्धार्थ चौधरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, द लीडर ऑफ मैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच पाइप वॉज स्मोक्ड बाई हल्कू इन हिज फील्ड। देखिए ये आंसर क्या होगा, ए 8, वी 9, सी 7 या डी 5। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। ये जो है लाइन, ये लिया गया है प्रेमचंद्र का जनवरी नाइट से, जिसमें हल्कू जो है वो अपने खेतों में 8 पूरा भर के वो पाइप पीता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द रशियन ऑथर एंटोन चेकोव वॉज बॉर्न इन, ए साउथ रसिया, बी नॉर्थ रसिया, सी ईस्ट रसिया या डी वेस्ट रसिया। देखिए सही आंसर क्या होगा। दोस्त आज 50 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके द्वारा आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जिसका भी 40 नंबर आ रहा है तो समझिए कि उनका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। और मैं आपको वादा करता हूँ कि जिस लेवल का क्वेश्चन मैंने सेट किया है उसी लेवल का क्वेश्चन BSEB भी सेट करेगा, तो क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको, एग्जाम में भी आप देखिएगा ये जाके। चलिए सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा साउथ रसिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑथर्स बुक इज डिमांडेड बाई प्रिजनर इन द सेल, ये देखना है आपको। ए शेक्सपियर एंड बैरोन, बी शेक्सपियर एंड रॉबर्ट लिंड, सी शेक्सपियर एंड जॉन मिल्टन या डी शेक्सपियर एंड जेबी सॉ। तो देखिए सही आंसर क्या होगा इसका। विच ऑथर्स बुक इज डिमांडेड बाई प्रिजनर इन द सेल, तो सही आंसर इसका होगा, मैं आपको बता दूं कि ये जो है, कई लड़कों ने ये कमेंट किया है कि सर पता ही नहीं चलता कहाँ से क्वेश्चन आप देते हैं, तो इसीलिए हम सबका शीर्षक भी बताते जाएंगे ताकि आप किताब में खोज भी लीजिए अगर आपको लगे ऐसा। तो ये जो है लिया गया है द बेट से, एंटोन चेकोव के द्वारा लिखी गई ये रचना है, जिसमें वो जो कैदी है वो शेक्सपियर और बायरन की पुस्तकों की मांग करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। ही वर्क्स ऑफन डील विथ ए स्पेसिफिक सोशल ग्रीवांसेज एज सच एज द डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस एज अप्लाइड टू द अपर एंड लोअर क्लासेज इज टेकन फ्रॉम। ये आपको बताना है कि ये किस कहानी या कविता से लिया गया है, ये किसी राइटर के बारे में स्पेसिफिकेशन है, ये आपको बताना है। और एक तो आपको राइटर का नाम भी आना चाहिए और दूसरा कि उसने कौन सी रचना लिखी है ये भी आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन थोड़ा टफ है ये, इस टाइप का क्वेश्चन भी दो चार रहेगा एग्जाम में, निश्चित रूप से आप मान लें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये जॉन ग्लासवर्दी के बारे में लिखी गई है और जॉन ग्लासवर्दी ने लिखी थी क्वालिटी, तो सही आंसर होगा ए नंबर। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ, आई डोंट थिंक सो इज लाइन टेकन फ्रॉम। देखिए ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। ए नंबर क्वालिटी, बी नंबर सन एंड मून, सी टू हॉरिजन्स और डी ब्लफ डिफाइल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ये ग्लेसरर्स जो है, ग्लेसरर्स क्वालिटी में जो बूट मेकर था उसी ने
बोला था राइटर से, तो सही आंसर होगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। लाइक द लाइट ऑफ ब्लैंक स्पेस स्टायरिंग एसेज फ्रॉम ए स्लीपिंग फायर एट नाइट। ए एनी वन, वी एवरी वन, सी एनी बडी या डी नन। देखिए क्या इस पे भराएगा। इस सेट में हमने ग्रामर पोर्शन को भी रखा है और इंटर का भी क्वेश्चन रखा है, जो कि आप देखेंगे कि एग्जाम में रहता है, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें एनी वन। ये द ग्रैंड मदर से लिया गया है, ये जो है आपका द ग्रैंड मदर पोएम, उसी से ये लिया गया है लाइन, इसमें भरने वाला जो है आपका। तो द ग्रैंड मदर जो कि रे अंगबियर के द्वारा लिखी गई एक कविता थी। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप्स ऑफ पोएट जॉन मिल्टन वाज। ए प्यूरिटन पोएट, वी रोमांटिक पोएट, सी मेटाफिजिकल पोएट या डी नन। तो देखिए जॉन मिल्टन किस प्रकार के कवि हैं। एक्चुअली इंग्लिश जो लिटरेचर का हिस्ट्री है उसको कई पार्ट में बांटा गया था और उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि जॉन मिल्टन किस प्रकार के पोएट थे। तो चलिए मैं आपको सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर होगा प्यूरिटन पोएट, ए नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू वी ईट्स वॉज अवार्डेड बाई द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन विच ईयर। ए 1923, बी 1924, सी 1925 या डी 1927। तो देखिए इसका कौन सा आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा 1923, ए नंबर आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग पोएट्स विच पोएट इज अवार्डेड बाई पुलित्जर प्राइज। मैं बता दूं कि पुलित्जर प्राइज जो है वो अमेरिकन प्राइज है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है ये। ए डब्ल्यू वी ईट्स, वी रॉबर्ट फ्रोस्ट, सी बोथ ए एंड बी या डी नन। तो ये बताना है आपको कि किसने पुलित्जर प्राइज जीता था। चलिए मैं आपको बता दूं, सही आंसर जो होगा इसका रॉबर्ट फ्रोस्ट होगा, बी नंबर आंसर होगा। इन विलेज सॉन्ग पोएम विच रिवर इज मेंशनड। जो विलेज विलेज सॉन्ग है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई कविता है, उसमें किस रिवर का नाम आया है ये आपको बताना है। ए गंगा, बी जमुना, सी कावेरी या डी कृष्णा। तो इसका सही आंसर होगा जमुना। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 61। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लूसी पोएम। ए थ्री ईयर्स सी ग्रीव, बी फॉलोअर, सी वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल या डी साउथ दिल्ली मदर। ये सारा जो है आपका इंटर से लिया गया क्वेश्चन है दोस्त। मैं भाई हमने आपको बताया कि 18 क्वेश्चन आपका इंटर से रहेगा 9th और 10th में। तो ये सारे क्वेश्चन को आप बढ़िया तरह से देख लें। कई लड़कों को ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा समय लेते हैं वीडियो बनाने में। नहीं दोस्त, ये पता चलेगा आपको एग्जाम में, जब आप एक्सप्लेन कीजिएगा वहाँ पे बनाइएगा, तब मेरा एक्सप्लेनेशन आपको याद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो का स्किप ना करें, बढ़िया से देखिए इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक कविता है, थ्री ईयर्स सीग्रीव। और इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं वो मदर नेचर और लूसी के बारे में इस कविता में लिखी गई है, इसलिए इसको लूसी पोएम भी कहा जाता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा ए। द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर। ए 1554, बी 153, सी 156 या डी 151। कितना सोनेट्स लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा ये देखना है। तो इसका सही आंसर होगा ए 154। आगे बढ़ते हैं। द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स इज ब्लैंक स्पेस सोनेट्स विच डिफाइंस द नेचर ऑफ ट्रू लव। तो देखना है कि 154 में कौन सा सोनेट जो है ये होगा। ए 116, बी 117, सी 118 या डी 119। चलिए मैं आपको बता दूं, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है और ये 116वां सोनेट था। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइनों की पंक्ति वाली कविता, एक ऐसी कविता जिसमें 14 लाइन है, उसी को सोनेट्स बोला जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन की ओर। Song of Innocence and Song of Experiences is written by which poet? A. William Shakespeare, B. William Black, C. Robert Frost या D. W. V. Yeats। तो देखिए किस की रचना है ये। चलिए मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा विलियम ब्लैक। ये आप द चिमनी स्वीपर जो है
वो इसी सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से लिया गया है जिसको कि विलियम ब्लैक ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। द मेन थीम ऑफ वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल इज ए इन्फेंटिसाइड, वी रिजिसाइड, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ, ये वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल जो है वो लिखा गया है सुजाता भट्ट के द्वारा, और इसका सही आंसर होगा इन्फेंटिसाइड, शिशु बध, ये जो है बध पे लिखा गया है, बच्चों को गर्भ में जो मार दिया जाता है उसी को थीम बना करके ये कविता लिखी गई है, तो इन्फेंटिसाइड होगा। 66 देखिए। एंड वी केम एंड एन एंजल हु हैड ए ब्राइट की एंड ही ओपेंड द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री इज टेकन फ्रॉम। ये देखिए कहाँ से लिया गया है ये कविता, या किस कहानी की स्टंजा है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा द चिमनी स्वीपर, ये विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई रचना है और उसी में ये लाइन आया है। नेक्स्ट 67 को प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फ्री इज रिटन बाई ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी विलियम शेक्सपियर, सी विलियम ब्लेक, या डी फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। आई पास द दिल्ली टेस्ट इज रिटन बाई ए सुनील गवास्कर, बी कपिल देव, सी सचिन तेंदुलकर, या डी सहवाग। चलिए ये बहुत आसान सा प्रश्न है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा सुनील गवास्कर। आगे बढ़ते हैं। रूप सिंह इज द कैरेक्टर इन ए द लीडर ऑफ मैन, वी मदर इंडिया, सी नेशनल यूनिटी, नेशनल एंड नेशनलिटी, या डी द थ्री वोज। डी द थ्री वोज होगा, सॉरी इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइपिंग हो गया। तो देखना है आपको इसमें रूप सिंह जो था किसमें एक कैरेक्टर था। चलिए मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए द लीडर ऑफ मैन, ये लिखा गया है सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ बेंजीज फादर, बेंजी के पिता का क्या नाम था। ये बेंजी एक कैरेक्टर है द अर्थ में, डब्ल्यू वी एट्स के द्वारा लिखी गई है जो ये कहानी है बेंजी। तो देखिए इसमें क्या होगा सही आंसर। ए जॉनसन, बी विलियम, सी बटलर, या डी रॉबर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जॉनसन। आगे बढ़ते हैं। ए चाइल्ड इज ब्रॉन इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम, देखिए इसका ए सेक्स एंड डेस्टिनी, बी द फीमेल इनंज, सी द चेंज, या डी नन। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दोस्त वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन का प्रश्न है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। मेन इसका एक्सप्लेनेशन है, ये चाइल्ड इज बॉर्न ये जो है जर्मेन ग्रियर के द्वारा लिखी गई एक एसे है, और ये एसे जो है उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक वॉल्यूम है, किताब है, सेक्स एंड डेस्टिनी, उसी से उठाया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर इन ए पिंच ऑफ अ स्नफ, वी भारत इज माई होम, सी द आर्टिस्ट, या डी द अर्थ। तो देखिए इसमें सही क्या होगा। ये नानू काका जो हैं ये पिंच ऑफ अ स्नफ आप पढ़े होंगे, मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखी गई एक रचना है, उसी में से ये कैरेक्टर उठाया गया है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर पिंच ऑफ ए पिंच ऑफ अ स्नफ। ए क्रेजी बॉय इज इन द मेन कैरेक्टर इन ए द अर्थ, बी द आर्टिस्ट, सी ए पिंच ऑफ अ स्नफ, या डी नन। तो याद कीजिए और अपने दिमाग में याद कीजिए, घुमाइए पढ़े हुए चीज़ों को कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। क्रेजी बॉय मीन्स होता है पागल लड़का, सनकी लड़का कह सकते हैं इसको आप। तो चलिए मैं आपको बता दूं, ये जो है द अर्थ से अर्थ के बारे में बता रहा है, क्योंकि वहाँ पे बेंजी एक लड़का था, याद कीजिए जॉनसन का बेटा, जो कि पहले तो लगता था कि बिल्कुल पागल है लेकिन बाद में बहुत बुद्धिमान निकलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर द अर्थ। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज ए टाइप ऑफ सोनेट, 75 नंबर देखिए। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज ए टाइप ऑफ सोनेट, ए पेट्रार्कन, वी शेक्सपियरियन, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन। तो चलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, पहले आप ध्यान से सुनिएगा।
इंग्लिश लिटरेचर में दो प्रकार का सोनेट होता है, एक पेट्रार्कन सोनेट, जॉन मिल्टन को इसका, सॉरी जॉन डोन को इसका जन्मदाता माना जाता था, जबकि शेक्सपियरियन सोनेट जो है इसका जन्मदाता शेक्सपियर थे। दोनों में अंतर है, पेट्रार्कन सोनेट जो होगा वो पहला 8 लाइन का होगा और उसके बाद 6 लाइन का होगा, मतलब ऑक्टेव इज फॉलोइंग बाई सेस्टेट, तो 6 लाइनों की पंक्ति होती है अंतिम वाला, और जो शुरू से लाइन शुरू होगा उसमें ऑक्टेव होगा 8 लाइन वाला, तो ऑक्टेव और उसके बाद सेस्टेट जो 6 लाइन की पंक्ति होगी। तो ये लिखा, ये जो है आपका जॉन डोन जो है पेट्रार्कन सोनेट के जन्मदाता हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, जबकि शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है उसमें भी 14 लाइन की पंक्ति होगी। एक बात तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सोनेट जो है वो 14 लाइनों की पंक्ति है, और शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है जिसके जन्मदाता शेक्सपियर माने जाते हैं उसमें क्या होगा, 3 क्वाट्रेंस, 4-4 लाइनों की 3 पंक्तियाँ होगी और उसके बाद एक कपलेट होगा, 2 लाइनों की 1 पंक्ति होगी। तो दोनों में एक अंतर ये हो गया कि पेट्रार्कन सोनेट जो है वो 2 भागों में बटा होगा, पहला 8 एस्टेंजा और दूसरा 6 एस्टेंजा में, जबकि शेक्सपियरियन सोनेट जो होगा वो 4-4 लाइनों की 3 पंक्ति होगी और सबसे अंत में 2 लाइनों की पंक्ति होगी, मतलब 3 क्वाट्रेंस इज फॉलोड बाई ए कपलेट, जबकि पेट्रार्कन सोनेट जो होता है वो आपका 8 लाइनों की 1 पंक्ति होगी, ऑक्टेव बोलते हैं उसको, और 6 लाइनों की 1 पंक्ति होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा, पेट्रार्कन सोनेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच टाइप्स ऑफ पोनेट पोएट जॉन डोन इज, ए प्यूरिटन, वी रोमांटिक पोएट, सी मेटाफिजिकल पोएट, या डी नन। ये सारा का एक्सप्लेनेशन दोस्त बढ़िया से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन। देखिए ये जो है आपका सही आंसर होगा मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब होता है कि वह पोएट जो कि अपनी कविताओं में प्रकृति के बारे में, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, इस टाइप का उदाहरण, पहाड़ के बारे में, झरना के बारे में, इस टाइप का जो है वो उदाहरण देते हैं, तो उनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। व्हाट इज द वाइफ्स नेम ऑफ जॉन डोन, ए अन्ने मोर, वी जर्मेन ग्रियर, डी सी डोरोथी, या डी नन। तो देखिए जॉन डोन जिन्होंने लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, उनकी वाइफ का नाम क्या है, तो उनकी वाइफ का नाम है, मैं बता दूं, ए नंबर होगा अन्ने मोर। 80 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से देखिएगा, ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट ए बे हेयर ही स्टैंड्स फॉर। ये जो स्टेंजा है उसमें ही किसके लिए प्रयोग किया गया है ये बताना है, ए जॉन डोन, वी द सन, सी द मून, या डी द अर्थ। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ही स्टैंड्स फॉर द सन, उसमें जॉन डोन साहब कहते हैं अन्य मोर से कि अन्य मोर सूर्य के पास तो कोई इच्छा भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता है कि वो जल्दी से लौट सके, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, द सन यहाँ पे होगा बी नंबर, ही स्टैंड्स फॉर द सन। आगे बढ़ते हैं 81वें नंबर प्रश्न की ओर, हु इज कॉल्ड द पीपुल्स पोएट, किसको पीपुल्स पोएट के नाम से जाना जाता है, ए वॉल्ट व्हिटमैन, वी विलियम शेक्सपियर, सी विलियम ब्लेक, या डी रॉबर्ट फ्रोस्ट। और दोस्त आप लोग कमेंट करने में और लाइक करने में कंजूसी न करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप वीडियो का स्टैंडर्ड देख के आपको ये लगता होगा कि इतना मेहनत करने के बाद हम इस प्रकार का क्वेश्चन निकालते हैं किताबों से, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसका सही आंसर होगा वॉल्ट व्हिटमैन, इनको पीपुल्स पोएट कहा जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए स्नेक केम टू माई वाटर टैप ऑन ए हॉट हॉट डे एंड आई इन ब्लैंक स्पेस फॉर द हीट, ए ट्राउजर, बी पैजामाज, सी जींस, या डी हाफ पैंट। तो देखिए ये जो है स्नेक से लिया गया है, स्नेक डी एस लॉरेंस के द्वारा लिखी गई एक रचना है, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये देखिए इसमें कि बहुत गर्म दिन था और मेरे जो वाटर टैप है, जो पानी रखने का एक स्थान होता है, वहाँ पे एक सांप आया हुआ था, और उस समय जो राइटर हैं वो क्या पहने हुए थे, तो
तो ए ट्राउजर्स, बी पैजामाज, सी जींस या डी हाफ पैंट। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा बी नंबर, पैजामाज। हु इज द सेकेंड कमर इन द पोएम स्नेक? ए द पोएट, वी द स्नेक, सी ए स्क्वायरल, डी पोएट्स थ्रस्टी कैट। तो देखिए इसमें बताना है आपको हु इज द सेकेंड कमर। चलिए मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा द पोएट, क्योंकि जब वो वाटर टैप के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक सांप है, तो उनको लगता है कि चूंकि हम सेकेंड कमर हैं, पहले सांप आया है तो पहले सांप को ही पानी पीने दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राम ब्लैंक स्पेस टू फॉरेस्ट विथ सीता एंड लक्ष्मण। ए गोज, वी वेंट, सी हैज गोन, डी हैड गोन। क्या होगा इसमें सही वर्ब का फॉर्म कौन सा होगा ये देखना है आपको। चलिए बताइए कौन सा होगा। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन इसका बढ़िया से देख लीजिए। ये जो है इसका आंसर होगा गोज। याद रखिएगा कि इतिहास की बातों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसमें गोज का प्रयोग हमने किया। तो ये देखिए राम और राम जो है वो सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल गए थे, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग यहाँ पे होगा। आगे आने वाले और भी प्रश्नों में आप अंतर समझ लेंगे। 85 कोलंबस ए डिस्कवर्स, बी डिस्कवर्ड, सी हैज डिस्कवर्ड या डी हैड डिस्कवर्ड। तो देखिए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, मैंने अभी बताया है आपको कि इतिहास की बातों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा ये भी इतिहास की बातों को बताने के लिए पास्ट इंडिफिनिट का भी प्रयोग किया जाता है। तो फिर पूछिएगा सर दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है कि अगर इतिहास बना रहा आज भी तो हम लोग पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे, और इतिहास यदि जो जिस इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ वो आज उपलब्ध नहीं है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो अस्तित्व में नहीं है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे। मतलब वनवास तो आज रहा नहीं, इसीलिए हम वहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग किए। लेकिन यहाँ पे देखिए कोलंबस ब्लैंक स्पेस अमेरिका जो है, तो ए नंबर है डिस्कवर्स, बी डिस्कवर्ड, सी हैज डिस्कवर्ड या डी हैड डिस्कवर्ड। तो इसमें होगा डिस्कवर्ड, क्योंकि बी नंबर आंसर होगा, क्योंकि अमेरिका जो है खोजा गया था बहुत पहले, लेकिन आज भी वह अस्तित्व में है। तो अंतर दोनों का कर लें, जो अस्तित्व में है उसके साथ पास्ट इंडिफिनिट, जो अस्तित्व में नहीं है उसके साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट। इतिहास की बातों को बताने के लिए इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं 86 प्रश्न की ओर। इट इज हाई टाइम आई ब्लैंक स्पेस लेट। ए गोज, वी वेंट, सी हैज गोन या डी हैड गोन। देखिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए मैं आपको बता दूं, ये आप हमेशा याद रखिएगा इसको कि जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न का प्रयोग करते हैं इट इज हाई टाइम का जब भी प्रयोग होगा तो हमेशा उसमें पास्ट इंडिफिनिट लगेगा। इसलिए याद रखिएगा आप लोग, इट इज हाई टाइम के साथ हमेशा हम लोग वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी वेंट। 87 नंबर देखते हैं। यू ब्लैंक स्पेस फार अवे व्हेन आई वांटेड टू से। ए गोज, वी वेंट, सी हैज गोन, डी हैड गोन। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं, ये सेंटेंस जो है दो क्लाउज में है, वेन के साथ, वेन के साथ इसको जोड़ा गया है। तो हम देखते हैं कि वेन के बाद आने वाला जो क्लाउज है वो आपका पास्ट इंडिफिनिट में है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो पहला क्लाउज होगा वो भी आपका किस में होगा, पास्ट में ही होगा हमेशा। और इस प्रकार के वाक्यों में हम लोग प्रयोग करेंगे हैड गॉन का। तो यहाँ पे डी नंबर होगा, हैड गॉन। यू हैड गॉन फार अवे व्हेन आई वांटेड टू से। आगे बढ़ते हैं 88वें प्रश्न की ओर। आई ब्लैंक स्पेस हेल्प यू इफ यू रिमेंबर्ड मी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा देखिए, और मैं आपको बताता हूं कि देखिए यहां भी दो क्लाउज है, तो सेकेंड क्लाउज के साथ आपका प्रयोग किया गया है रिमेंबर्ड, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट है। तो ए नंबर में वुड होगा, बी विल होगा, सी सुड होगा या डी कुड होगा। तो इसमें लगेगा आपका वुड, ए नंबर होगा आंसर।
इसलिए क्योंकि इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि आई वुड हेल्प यू इफ यू रिमेंबर्ड मी। 89 नंबर देखिए, आई ब्लैंक स्पेस द सिंटेक्स फॉर 10 डेज। इसको थोड़ा संभल के बनाइएगा आप लोग। ए हैव बीन लर्निंग, वी लर्नड, सी हैव लर्नड या डी नन। चलिए मैं आपको बता दूं, इसमें मोस्टली लोगों ने आंसर मारा होगा हैव बीन लर्निंग, लेकिन नहीं, ये गलत है। इसलिए गलत है कि इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो टाइम होता है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीन के लिए लगता है। के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में भी टाइम लगता है भाईजन, लेकिन अंतर है सब में। सबसे पहले तो यहां देख लीजिए कि फॉर 10 डेज की जब बात हो रही है, द ब्लैंक स्पेस द सिंटेक्स फॉर 10 डेज का मतलब है कि ये घटना बीत चुकी है तो फ्यूचर तो होगा नहीं। अब या तो पास्ट में आएगा ये घटना या तो प्रेजेंट में आएगा। तो देखिए इसमें जो है सही आंसर होगा आई हैव लर्नड सी, लेकिन हैव लर्नड क्यों होगा, हैव बीन लर्निंग क्यों नहीं होगा, इसीलिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य तब होगा जब कोई घटना पहले से चल रही है, आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए ये जो है कह रहा है कि द ब्लैंक स्पेस द सिंटेक्स फॉर 10 डेज, मैंने 10 दिन के लिए सिंटेक्स सीखा, तो इसका मतलब है कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट की घटना है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी टाइमिंग का प्रयोग होता है तब जब कोई घटना घट रही हो और उसका घट गई हो, समाप्त हो गया हो काम और उसका प्रभाव आज भी दिख रहा हो, तो उसके लिए हम लोग हैव लर्न का प्रयोग करते हैं। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सचिन ब्लैंक स्पेस द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। ये आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग बना दीजिएगा सब। ए स्ट्राइक्स, बी हैज स्ट्राइक्ड, सी हैड स्ट्राइक्ड या डी स्ट्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्ट्राइक्स। कमेंट्री के लिए हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, दिमाग में हमेशा याद रखिएगा आप। 91 बढ़ते हैं। इट आई ब्लैंक स्पेस ऑलरेडी सीन दिस पिक्चर। तो आंसर क्या होगा, ए हैव, बी हैड, सी एम या डी नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैव, इसलिए कि ऑलरेडी का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट वाले वाक्यों में होता है। तो ये यहाँ पे आपका आपके लिए की पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। आई 92, आई ब्लैंक स्पेस स्टडिंग नाउ, ए एम, बी हैज बिन, सी वाज या डी हैड बिन। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे नाउ का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और इसका आंसर होगा आई एम स्टडिंग नाउ। आगे बढ़ते हैं 93 प्रश्न की ओर। ही आस्क्ड मी ब्लैंक स्पेस आई वॉज कमिंग और नॉट, ए दैट, वी वेदर, सी एल्स या डी एवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, इसका सही आंसर होगा वेदर, क्योंकि जब कोई डाउट रहे जहाँ कहीं भी डाउट हो, वेदर आई वॉज कमिंग और नॉट, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, तो ये डाउट है और डाउट के लिए वेदर का प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग नहीं करते। 94 प्रश्न बढ़िया से देखिएगा, ये कंजक्शन का क्वेश्चन है। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स ब्लैंक स्पेस गिल्टी। तो इज गिल्टी होगा, आर गिल्टी होगा, वेयर गिल्टी होगा या डी हैव गिल्टी होगा। और इसमें मोस्टली लड़का लोग मारा होगा आंसर आर, लेकिन इसका आंसर होगा ए इज। एक्सप्लेन मैं कर दूं कि देखिए यहां पे ये जो ही और हिज पेरेंट्स है वो एंड नॉट कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, और जब कभी भी कोई वाक्य एंड नॉट कंजक्शन के साथ जुड़ेगा तो वो अपने पहले सब्जेक्ट के अनुसार एक्चुअली वर्ब लेगा। तो यहां पे ही के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इज ए आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। 95, द पुअर विलेजर्स नाइदर ग्रो ब्लैंक स्पेस इट्स वेजिटेबल, ए और, वी नॉर, सी बट या डी एंड। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा नाइदर के साथ हमेशा किसी का प्रयोग किया जाता है, नॉर का प्रयोग किया जाता है। तो द पुअर विलेजर्स नाइदर ग्रो नॉर इट्स वेजिटेबल।
96 नंबर देखिएगा, सैलू इज ए कैरेक्टर फाउंड इन ए क्वेल, वी द स्लीपिंग पॉटर, सी मार्था, या डी स्पेयर द रॉड। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि 11th 12th का सिलेबस के लिए हम बोले थे आपको, तो सीधे सीधे हम आपको बता दें कि जो 100 नंबर का एग्जाम होगा 11th 12th में, उसमें आपका 35 मार्क्स से इंटर का क्वेश्चन रहेगा भाई साहब, मतलब 11th 12th का जो प्रोज और पोएट्री है उससे रहेगा। इसमें दो आपका पैसेज रहेगा भाई, ये जान लें आप, तो 10-10 नंबर का पैसेज रहेगा, तो 20 नंबर हो गया, तो 55 नंबर हो गया। 35 नंबर का रहेगा ग्रामर, तो 55, 5, 60 और 30, 90। और 10 नंबर, या इसमें ये हो सकता है 10 या 15 नंबर या 20 नंबर तक मैक्सिमम आपको पढ़ना है शेक्सपियर के बारे में, जितना डीप अध्ययन कर सकते हैं आप कर लीजिए, क्योंकि शेक्सपियर से क्वेश्चन रहेगा। और कुछ राइटर है जिसमें कि आपके मॉडर्न इंडिया के राइटर्स लोग हैं, वो आप जरूर देख लें उसको, उनको जैसे मान लीजिए महादेवी वर्मा हैं, आर के नारायणा हैं, और भी जो राइटर हैं जो मॉडर्न राइटर हैं, जो कि आपके 9th 10th में बहुत सारे राइटर आपको मिलेगा जो कि इंडियन राइटर हैं, उनके बारे में पढ़ लें। मुल्क राज आनंद हैं, तो इस प्रकार के राइटर्स से आपका क्वेश्चन रहेगा। और भी जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, बाल्टर डीला मेरे हैं, उसके बाद जॉन मिल्टन हैं, उसके बाद आपका और भी राइटर हैं सैली, तो इस प्रकार के लोगों का जो है अध्ययन कर लें आप, 10-11 दिन अभी समय बचा है, तो उसे क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सैलू जो है कैरेक्टर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेयर द रॉड, डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 97 प्रश्न की ओर। वी ब्लैंक स्पेस टू ए पार्टी लास्ट नाइट, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वेंट, क्योंकि लास्ट नाइट जब प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब है कि यह घटना बीत चुकी है और इसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं 98 प्रश्न की ओर। इट इज सेकेंड टाइम यू ब्लैंक स्पेस मी, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यू हैव अब्यूज्ड, क्योंकि जब भी सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम इस टाइप का प्रयोग किया जाएगा बाकी में, तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। 99 प्रश्न। इफ यू ब्लैंक स्पेस मी आई वुड हैव अटेंडेड योर पार्टी, तो देखिए यहाँ पे वुड हैव का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए इसमें प्रयोग क्या होगा, हैड इनवाइटेड, सी नंबर होगा आंसर। और 100वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रवि ब्लैंक स्पेस 2 आवर्स डेली, देखिए इसमें क्या होगा, रीड्स इज रीडिंग, हैव रीडिंग या हैड रीडिंग। तो देखिए यहाँ पे डेली का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की घटना है और इसमें सही आंसर हो जाएगा ए रीड्स। तो ये 50 नंबर का एक सेट था फ्रेंड्स, ये इंग्लिश हंट चैनल है जिसके द्वारा 11th 12th का प्रोज और पोएट्री और 9th 10th का प्रोज और पोएट्री पढ़ाया जाता है। तो मेरे चैनल पे आप 11th का टोटल पोएम आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं, और 10th का 9th का ये सब डाले हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभ उठाने की का अगर इच्छा है तो आप जरूर चैनल पर जाइए और इन सारा पोएम्स को देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, और कमेंट करने में और लाइक करने में कंजूसी मत बरतिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम बनाते हैं वीडियो और आप हमको अप्रिसिएट कीजिए ताकि हम हर दिन आपको एक वीडियो इस तरह का उपलब्ध करा सकें।